सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी A6, साथ साथ कंपनी ने एक कम रेंज का J6 फ़ोन भी लॉन्च किया है। और क्योंकि आज हमारे पास आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस, इसलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ। तो चलिए अब इसके बॉक्स को काट लेते हैं। तो ये मैंने इसके बॉक्स को खोल लिया है और फिलहाल मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये फ़ोन और उसका बॉक्स कंटेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार दिखने वाला स्मार्टफोन है। पीछे से काफ़ी हद तक आपको J7 Pro की तरह दिखेगा, पर एनीवे इसके बारे में बाद में बताऊँगा। अभी मैं इसको ऑन करके साइड में रखता हूँ। इसका बॉक्स कंटेंट देखें अगर हम, तो इसमें आपको मिलेगी ये क्विक स्टार्ट गाइड, हिंदी में भी दी है, सार वैल्यू के बारे में बताया है और वारंटी कार्ड भी दिया है। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलेंगे ईयरफोन्स, माइक्रो USB केबल, सिम इजेक्टर टूल और पावर एडाप्टर मिलेगा जो कि 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर का है। तो यानी जब आप इस फ़ोन को मार्केट से खरीदेंगे ये सारी एक्सेसरीज आपको इस फ़ोन के साथ मिलेगी। अब इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन की शुरुआत इसके डिज़ाइन से की जाए तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन देखने में फ्रंट से काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट बैक साइड भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। पहला तो ये कि इसका बैक देख सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक J7 Pro की तरह है। साथ ही साथ इसके जो कैमरा प्लेसमेंट है वो आपको सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस की तरह दिखेगी। डुअल रियर कैमराज दिए हैं और उसके नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैमसंग की ब्रांडिंग मिलेगी। ओवरऑल अगर देखें तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है और शानदार रहेगा। अब बात करें इसके डिस्प्ले की और इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने इसमें दिया है 6 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले जिसपे AMOLED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथ है। और सैमसंग की हमें सबसे खास बात ये रखती है कि सैमसंग हमेशा ही अपने फ़ोन में आपको AMOLED डिस्प्ले मुहैया करवाती है जो कि बेहद ही वाइब्रेंट होते हैं, कलर विविड होते हैं उसके एकदम। इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो कंपनी ने इसमें मुहैया कराया स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट। अब यहीं हमें थोड़ी सी इस फोन से डिसअपॉइंटमेंट लग रही है कि इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन और इस प्राइस रेंज में आने के बाद कंपनी इसमें आपको सिर्फ स्नैपड्रैगन 450 ही मुहैया करा रही है। एटलीस्ट इसमें 600 सीरीज़ का कोई प्रोसेसर होना चाहिए था। पर अगर हम बात करें इसके दूसरे आस्पेक्ट्स की तो वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसमें आपको मिलती है 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, 4 GB की रैम और 3500 mAh की बैटरी। साथ ही साथ इसके बैक साइड पर आपको मिलते हैं 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के डुअल रे सेंसर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने शटर स्पीड फास्ट है इसकी। बोके इफेक्ट तो आपको मिलेगा क्योंकि डुअल रे कैमरास दिए हैं इसमें। इसके साथ साथ अगर हम इसकी वीडियो क्वालिटी देखें तो आप इसमें फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा इसकी जो खास बात है वो इसका फ्रंट कैमरा। इसमें आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद F1.9 अपर्चर। हालांकि कैमरा क्वालिटी भी जजमेंट अभी देना ठीक नहीं रहेगा, पर शटर स्पीड आप देखते हैं कितनी फास्ट है। पोर्ट्रेट मोड भी है आपको फ्रंट में मिलेगा, आपका बैक साइड पे ब्लर करने का आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें। और इसमें आपको फ्लैश लाइट भी मिलती है फ्रंट में, स्क्रीन फ्लैश भी है साथ में। तो ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखें तो काफ़ी दमदार दिए हैं सैमसंग ने इसमें। और इसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो मिलता है जिस पर कंपनी खुद के UI की लेयरिंग दी गई है। साथ साथ फेस अनलॉक फीचर भी है इसमें। इसके अलावा इसमें आपको कुछ जेस्चर फीचर्स भी मिल जाएंगे, मल्टी विंडो का ऑप्शन भी मिल जाएगा और गेम मोड भी मिल जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इस फोन में आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, कैमरा, डिज़ाइन, डिस्प्ले, बैटरी। जहां ये फ़ोन थोड़ा सा पीछे रह जाएगा वो है इसका प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन 450 इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से ठीक साबित नहीं होगा। हालांकि हो सकता है कि परफॉर्मेंस सैमसंग ने इसकी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ की हो और शायद इतना आपको निराश ना करे, और वही चीज़ मैं आपको इसके रिव्यू के बाद ही बता पाऊंगा। और अगर आप इस फोन का रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ अगर आप इस फोन का किसी दूसरे फ़ोन से कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।